इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में मौजूद आईपीएस प्रोबेशनर्स को प्रधानमंत्री ने भव्य और दिव्य भारत का मंत्र दिया। उन्होंने देश के युवा पुलिस अफसरों को हमेशा देश हित का ख्याल रखने की सलाह दी है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों सरकारों की तरफ से अब एक दूसरे के खिलाफ केस किए जा रहे हैं। मिजोरम के कोलासिब थाने में असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और बेहद गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। हेमंत बिस्व सरमा के अलावा असम पुलिस के 4 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 26 जुलाई को असम और मिजोरम के बीच खूनी झड़प हुई थी जिसमें असम के 6 पुलिस वालों और 1 सिविलियन को जान गंवानी पड़ी थी। अब आज असम की ओर से बॉर्डर पर पहरा और कड़ा कर दिया गया है। सीआरपीएफ की और पोस्ट बनाई जा रही है। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की बातचीत चल रही है। दोनों देशों में कोर कमांडर लेवल की ये बातचीत चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर हो रही है। एलएसी पर टेंशन कम करने को लेकर हो रही ये बैठक 112 दिन बाद हो रही है। आज की बातचीत में भारत की तरफ से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन शामिल हुए हैं तो चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन बैठक में हैं। इस मीटिंग में गोगरा और हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट पर सहमति के आसार हैं। पिछले दौर की बातचीत 9 अप्रैल को हुई थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।